नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। 5 अगस्त 2019, ये दिन भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, अपनी परमानेंट जगह बना चुका है। इस दिन को एक ऐसे निर्णय के लिए, एक ऐसे फैसले के लिए याद रखा जाएगा जिसको लेकर सबका ये मानना था कि इस देश में कोई भी सरकार ऐसा निर्णय तो ले ही नहीं सकती। कम से कम हमारे जीवन काल में तो कोई सरकार ऐसी नहीं आने वाली जो ऐसा निर्णय ले पाए। इस दिन को एक ऐसे दिन के रूप में भी याद रखा जाएगा जब इस देश की किसी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए एक बड़े वादे को पूरा करके दिखाया हो, जो कि हमें इस देश में कम ही देखने को मिलता है। इस दिन को हमारी आने वाली पीढ़ियां एक बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट की तरह देखा करेंगी। यह दिन बदलते भारत की बदलती तस्वीर का सिर्फ एक ट्रेलर मात्र है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आर्टिकल 370 को हटाने का इतना बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला रातों रात तो नहीं लिया गया होगा। तो फिर सवाल यह उठता है कि आर्टिकल 370 के इस एंड गेम की तैयारियां आखिर कब से चल रही थी और कैसे मोदी सरकार इसको इतना गुप्त रखने में कामयाब हो सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 के इस एंड गेम के लिए आखिर क्या क्या तैयारियां की और ये तैयारियां कैसे की। इन तैयारियों में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन आर्मी और NSA अजीत दोवल की क्या भूमिका रही, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के लिए राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए ऐतिहासिक रेजोल्यूशंस को पास होने में 8 घंटे का समय लगा और तब तक भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल भी श्रीनगर ये सुनिश्चित करने पहुंच चुके थे कि जम्मू और कश्मीर का राज्य से यूनियन टेरिटरी में परिवर्तन आराम से हो जाए। वैसे तो आर्टिकल 370 और 35A को संविधान से हटाना बीजेपी का एक बहुत ही पुराना सपना रहा है और बीजेपी से पहले जनसंघ का भी, लेकिन इसका असली एंड गेम जो 5 अगस्त को संसद में अमित शाह के ऐतिहासिक बयान के साथ जाकर खत्म हुआ, इस एंड गेम के अंतिम अध्याय की प्लानिंग ठीक एक महीने पहले 5 जुलाई 2019 को शुरू कर दी गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने कुछ सरकारी सूत्रों से बात करके इस एंड गेम की टाइमलाइन तैयार करने का प्रयास किया है और उनके अनुसार इस एंड गेम की जानकारी सरकार में केवल मुट्ठी भर लोगों को ही थी। 5 जुलाई 2019 R&AW के नए चीफ सामंत गोयल प्रधानमंत्री को PMO में कॉल करते हैं। इस बातचीत में गोयल प्रधानमंत्री को बताते हैं कि कश्मीर को पूरी तरह भारत में मिलाने के लिए सरकार के पास केवल एक ही महीना है। R&AW चीफ चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इसके बाद सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। अमेरिका तालिबान को लेकर पाकिस्तान के साथ कोई बड़ी डील कर सकता है, ऐसी डील जिसके बिना अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना संभव नहीं है। गोयल प्रधानमंत्री को बताते हैं कि ये डील 1 सितंबर तक हो सकती है और इसके लिए अमेरिका पाकिस्तान को पुरस्कृत भी कर सकता है, उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक एड को दोबारा चालू कर सकता है, जिसका नतीजा ये होगा कि घाटी में एक बार फिर से आतंकवाद में तेजी आ जाएगी। 22 जुलाई 2019 इमरान खान की ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के बाद नई दिल्ली को इस बात का कड़ा अंदेशा था कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के लिए बेताब है और पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार की डील कर सकता है। उसके ऊपर ट्रंप के कश्मीर वाले बयान ने नई दिल्ली के इस अंदेशे को विश्वास में बदलने का काम किया। लेकिन सामंत गोयल की इस कॉल से बहुत पहले ही बीजेपी की टॉप टीम की एक मीटिंग हुई थी जिसमें अरुण जेटली समेत कई दिग्गज लीगल एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। इन लीगल एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि आर्टिकल 370 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यानी कि राष्ट्रपति के एक आदेश से हटाया जा सकता है, खासतौर पर तब जब राज्य की बागडोर गवर्नर के हाथों में हो। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के अनुसार आर्टिकल 370 को हटाने की तैयारियां 2019 के चुनावों के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो को लिखने के साथ ही शुरू हो गई थीं। इन वरिष्ठ नेताओं के अनुसार अमित शाह ने 5 अगस्त को संसद में जो रेजोल्यूशंस प्रस्तुत किए उनके ऊपर काम लोकसभा के चुनावों के नतीजे आते ही शुरू कर दिया गया था, जिनमें बीजेपी को 303 सीटों के रूप में स्पष्ट बहुमत मिला था। इस प्रचंड बहुमत ने पार्टी को अपना ये पुराना वादा पूरा करने के लिए भरपूर कॉन्फिडेंस देने का काम किया था। लेकिन चीजों ने असली गति पकड़नी शुरू की जब गृह मंत्री अमित शाह ने IB के चीफ अरविंद कुमार और होम सेक्रेटरी राजीव गौबा के साथ श्रीनगर का दौरा किया। इस दौरे का मकसद और कुछ नहीं बल्कि 5 अगस्त को आर्टिकल 370 के एंड गेम को अंजाम देना था।
जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में इस बात को लेकर पूर्ण सहमति थी कि इन आर्टिकल्स को खत्म कर देना चाहिए, वहीं देश की आंतरिक सुरक्षा एजेंसीज ने ऐसे रेड फ्लैग्स रेज किए थे कि इस फैसले के बाद घाटी में हिंसा फैल सकती है। लेकिन 11 जुलाई को R&AW चीफ सामंत गोयल और 23 जुलाई को NSA अजीत दोवल के घाटी का दौरा करने के बाद सरकार ने उनसे उनके विचार जाने और आगे बढ़ने का फैसला किया। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने अपने आर्मी कमांडर्स को तैयार रखने के लिए पहले जून और फिर जुलाई में घाटी का दौरा किया। इसके अलावा अजीत दोवल ने तीनों आर्मी चीफ्स और तीनों इंटेलिजेंस चीफ्स के साथ 24 जुलाई को भी इसी मुद्दे के ऊपर एक और मीटिंग की। पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने 200 सैटेलाइट फोन J&K प्रशासन को भिजवाए थे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाने की घोषणा के बाद घाटी में फोन और इंटरनेट सेवाएं बंद होने वाली थी। 4 अगस्त 2019 संडे की रात से ही घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और शीघ्र ही मोबाइल और फोन सेवाएं भी। पिछले 10 दिनों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 350 कंपनियां यानी कि लगभग 35,000 सैनिकों को घाटी भेजा गया। इसी समय के आसपास यानी कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO के मेड इन इजराइल हाई ऑल्टीट्यूड हेरोन ड्रोन्स को भी भीड़ नियंत्रण के लिए पीर पंजाल भेजा गया। इसके अलावा मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने खाना पानी और दवाइयों जैसी रिलीफ सप्लाईज को लेकर घाटी के लिए दर्जनों उड़ानें भी भरी। 2 अगस्त 2019 यानी कि शुक्रवार आते आते आर्टिकल 370 को हटाए जाने की अटकलबाजियों ने काफी ज्यादा जोर पकड़ लिया था। खास तौर पर अमरनाथ यात्रा रद्द किए जाने और घाटी से सभी पर्यटकों को वापस बुलाए जाने के बाद ऐसे तनाव भरे माहौल के बीच 4 अगस्त की शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने R&AW और IB के चीफ्स को फोन लगा उन्हें तैयार रहने के लिए कहा। यह पहली बार था जब नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को विश्वास हुआ कि मोदी सरकार संसद में आर्टिकल 370 और 35A को हटाने की घोषणा करने वाली है। इससे पहले तक भारतीय एजेंसीज को भी पूरे तरीके से विश्वास नहीं था कि सरकार इतना बड़ा कदम वाकई उठाएगी। संसद में घोषणा से पहले गृह मंत्री ने एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई जिसमें नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन का जायजा भी लिया गया। इस घोषणा से आने वाले संभावित डिप्लोमेटिक भूचाल को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी लूप में रखा गया। केंद्र सरकार को ऐसा डर सता रहा था कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI या फिर घाटी में उसके लोग लोकल लीडर्स को टारगेट कर उसका ठीकरा नई दिल्ली के ऊपर फोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए घाटी के सभी राजनेताओं को इतवार आधी रात से ही हाउस अरेस्ट में रखने का निर्णय लिया गया और घाटी में कर्फ्यू के साथ साथ धारा 144 भी लगा दी गई। पैरामिलिट्री फोर्सेस को संवेदनशीलता और संयम बरतने के लिए कहा गया। उन्हें आदेश दिए गए कि कोई भी अनियंत्रित भीड़ चाहे उन्हें कितना भी भड़काने का प्रयास करे उन्हें उत्तेजित हो फायरिंग नहीं करनी है। नई दिल्ली को अभी भी ऐसा डर सता रहा है कि पाकिस्तान घाटी में मौजूद अपने समर्थकों द्वारा लोकल्स को बहकाने और भड़काने का काम कर सकता है। इसी के चलते फिलहाल सरकार कोई भी चांस लेने के मूड में कतई नहीं है। लोकसभा चुनावों के बाद ये संसद का पहला सेशन था और स्वतंत्रता दिवस से ठीक 10 दिन पहले की गई इस घोषणा से एक्सपर्ट्स भी अचंभे में हैं। मोदी सरकार के कड़े से कड़े आलोचक भी इस अत्यंत सूक्ष्म और फूल प्रूफ प्लानिंग के लिए उसकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के रिएक्शन की बात करें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि भारत का ये कदम बिल्कुल गैरकानूनी है और वो इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका रहा अमेरिका की तरफ से आने वाला रिएक्शन। US स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन मॉर्गन ऑर्टेगस ने भारत सरकार के इस फैसले को भारत का आंतरिक मामला बताया है। ऑर्टेगस ने कहा कि भारत द्वारा कश्मीर में लिया गया ये एक्शन भारत का स्ट्रिक्टली इंटरनल मैटर है। वहीं US स्टेट डिपार्टमेंट के एक दूसरे ऑफिशियल ने भारत से व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करने और जल्द से जल्द शांति बनाने के लिए कहा है। भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को हटाए जाने की घोषणा और रेजोल्यूशन प्रस्तुत किए जाने के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस सेशन में हिस्सा नहीं लिया जिसके चलते पाकिस्तानी पार्लियामेंट में काफी ज्यादा हंगामा हुआ। इस सेशन में एक रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया जिसका मकसद भारत के इस कदम की कड़ी निंदा करना था, लेकिन पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए इस रेजोल्यूशन में भारत के आर्टिकल 370 का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। इसी के चलते पाकिस्तान के ऑपोजिशन ने इस रेजोल्यूशन को ऑब्जेक्ट करते हुए हंगामा मचाना शुरू कर दिया और 20 मिनट बाद स्पीकर असद कैसर को पार्लियामेंट का यह सेशन स्थगित करना पड़ा।
पाकिस्तान के मित्र देश चाइना की तरफ से भारत के इस फैसले को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन या फिर बयान नहीं आया है। वहीं दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों ने भी भारत के इस एक्शन के ऊपर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। पाकिस्तान का अब यह पूरा प्रयास रहेगा कि चाइना और कुछ मुस्लिम देश जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, टर्की तो कम से कम भारत के इस कदम की कड़ी निंदा करें ही। इसीलिए अब भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू होने वाले इस डिप्लोमेटिक द्वंद को देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।